हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए आ रही है कि आईसीआर का आपका रैंक कार्ड यहां पर रिलीज कर दिया है। दोस्तों, रैंक कार्ड चेक करने के लिए आपको सिंपली आईसीआर एग्जाम की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे icrexam.net करके ये वेबसाइट है, इस पर आप लोग आइएगा। इस पर आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए लेटेस्ट न्यूज में आपको यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड रैंक कार्ड, क्लिक ऑन एप्लीकेशन लॉग इन। अगर आपको रैंक कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको क्लिक करना होगा एप्लीकेशन लॉग इन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस पे। देखिए, जैसे इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड या आपको कैप्चा कोड भरना है, यहाँ पे फिर लॉग इन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉग इन पे क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो आपके सामने आपका रैंक कार्ड यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है। देखिए, अगर आप लोग रैंक कार्ड देख लिए अपना, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन नीचे दिया गया, इसी में क्लिक हेयर प्रीवियस ईयर रैंक का रैंक कट ऑफ, कितना प्रीवियस ईयर किस कॉलेज का कितना कट ऑफ रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोग अपना रैंक कार्ड चेक करने के बाद इसको जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है किस कॉलेज का कितना गया था। इसके लिए सिंपली पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है यहाँ सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट इसको रहने दीजिए, यूजी पीजी सबका आपको चेक करना है। अगला है सेलेक्ट कोर्स ब्रांच, किस कोर्स के लिए, किस ब्रांच के लिए, तो जितने भी ब्रांच यहाँ पे होते हैं वो सब यहाँ देखिए, ऊपर पीजी का है, ठीक है, नीचे आपका फिर आपका यूजी का होगा, एसआरएफ का है और यहाँ यूजी का है। तो यूजी में कौन सा देखना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर का, बीटेक का, बीएससी एजी का, तो यहाँ पे हम लोग बीएससी एजी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यहाँ दिख रहा है, क्लिक कर दिए हैं। अगला हमारा यहाँ पे है सेलेक्ट ईयर, किस ईयर का देखना चाहते हैं आप लोग, तो सिंपली आप लोग लास्ट ईयर 21 का देख लीजिए कितना कट ऑफ गया था। कैटेगरी यहाँ पे बोल रहा है किस कैटेगरी का देखना चाहते हैं, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, यूआर का, तो जो भी आपका होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे यूआर चूज करता हूँ। अगला है एक्सपेक्टेड ऑब्टेंड रैंक, कितना आपका रैंक है, अगर आपको वो फिल करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ बस ऐसे ही। ठीक है, अगला यहाँ पे है आपका सिक्योरिटी कोड, कैप्चा कोड, तो इसको सिंपली आप लोग फिल कर लीजिए 422429, ओके, और यहाँ एग्री पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली क्लिक करते हो, यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही देखिए हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, प्लीज वेट। ये देखिए नीचे हमारा देखिए यहाँ पे आ चुका है यूनिवर्सिटी नेम, और यहाँ पे देख लीजिए राउंड कौन से राउंड में कितना है, और यहाँ पे पूरा क्लोजिंग रैंक वगैरह सबका दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम भी कर दे रहा हूँ, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, सो आप लोग जरूर काइंडली से ध्यान में रखिएगा और अपना अपना रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि यहाँ पे कितना क्या दिया गया है। अगर आपको पूरी तरह इसको समझना है तो इसके लिए कल एक डिटेल्स वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल देंगे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको पूरी तरह समझना है या आपका जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग की कौन सा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जाके अपना रैंक कार्ड जरूर चेक करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है चेक करने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।